राधे राधे। आज का ये वाक्य मथुरा के नजदीकी शहर ताज नगरी आगरा से आया है। ताज आगरा में भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति का एक बेहद ही मार्मिक मामला सामने आया है। शुक्रवार को एक पुजारी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे थे। स्नान कराते समय अचानक ही उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी गिर गए, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया। भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर पुजारी को रोना आया और वो रोने लगे। पुजारी टूटी हुई मूर्ति को कपड़े में लपेटकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर लाइन बन लगकर उन्होंने पर्ची बनवाने की कोशिश की। इस दौरान पुजारी जी का रोना बंद ना हुआ और वो लगातार रोते रहे, लोगों से गुहार करते रहे कि मूर्ति का इलाज करो। वो वहां लड्डू गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराने की जिद पर अड़ गए। घटना शाहगंज के खासपुरा एरिया के पथवारी मंदिर की है। मंदिर के पुजारी लेख सिंह जी इस मंदिर में पिछले 25-30 सालों से लगातार लड्डू गोपाल जी की सेवा करते आ रहे हैं। शुक्रवार का दिन था, सुबह का समय था, 5 बज रहे थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मंदिर के पुजारी लेख सिंह करीब 25-30 साल से इस मंदिर में कार्यरत हैं। प्रतिदिन की भांति आज भी वो सुबह लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए पहुँचे। सुबह 5 बजे लड्डू गोपाल जी का स्नान ध्यान होता है। उन्होंने जैसे ही लड्डू गोपाल जी को स्नान के लिए हाथों में लिया, अचानक ही उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा छूट गई, जिसकी वजह से लड्डू गोपाल जी का एक हाथ टूट गया। लड्डू गोपाल जी का हाथ टूटा देख पुजारी लेख सिंह जी घबरा गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने खुद ही खपच्ची बांधी और दर्द का मलहम लगाया और इस तरह वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। वो 8 बजे तक भगवान को अपनी गोद में बैठाए अस्पताल खुलने का इंतजार करने लगे। अस्पताल पहुँचे मगर अस्पताल में कोई लड्डू गोपाल का इलाज करने को तैयार ना हुआ, ना ही किसी ने उनकी पर्ची बनाई। इससे वो और यथित हुए। लड्डू गोपाल को इलाज ना मिलने पर पुजारी रेलिंग में अपना सिर मार मार कर रोने लगे और वो रोते रोते बेहोश हो गए। इसको देखकर वहाँ भीड़ लग गई। सुरक्षा कर्मियों ने समझाया कि भगवान को चोट नहीं लगती, जो सभी के कष्टों का हरण करते हैं उन्हें क्या चोट लग सकती है। लेकिन पुजारी लड्डू गोपाल को अस्पताल में भर्ती कराने की जिद पर अड़े रहे। लोगों ने समझाने की कोशिश की पर वो ना माने। प्लास्टर करवाने के लिए पर्चा बनवाने गए तो वहाँ पर विराजमान गार्ड ने भी उन्हें भगा दिया। रोते बिलखते पुजारी को देख स्टाफ ने प्रमुख अधीक्षक को बताया कि एक पुजारी जिद कर रहा है भगवान के इलाज के लिए। सुरक्षा कर्मियों की बात सुनकर उन्होंने पर्ची बनाने की अनुमति दी। पर्ची बनने के बाद हाथ की पट्टी कर दी गई। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ए.के. अग्रवाल ने बताया है कि मरीज का नाम श्री कृष्ण बताया गया है एवं उनका पिता का नाम श्री भगवान लिखवाया गया है। इसके बाद CSM अशोक कुमार ने अपने केबिन को ऑपरेशन थिएटर बनाते हुए सबको बाहर कर दिया। डॉक्टर ने लड्डू गोपाल का प्लास्टर किया और अपने हाथों से पुजारी को सौंपा। CMS डॉक्टर ए.के. अग्रवाल ने बताया कि ऐसा मामला उनके जीवन में पहली बार आया है। लड्डू गोपाल के इलाज होने के बाद भी पुजारी लेख सिंह जी लगातार रोते रहे, उनकी आंखों की अश्रु धारा बंद ना हुई। पुजारी की भक्ति को देख वहाँ लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। पुजारी की अशुद्ध भक्ति की हर कोई चर्चा कर रहा है। आज के इस जीवन में लोग कहते हैं भगवान है या नहीं है, लेकिन आज का ये मामला एक भक्त और भगवान के संबंधों को दर्शाता है कि चोट भगवान की हो या भक्त की हो, दर्द सभी को बराबर होता है। राधे राधे।